हेलो फ्रेंड्स आपने उड़द की दाल का बना हुआ डोसा तो बहुत बार खाया होगा आज हम बनाने वाले हैं गेहूं से बना हुआ डोसा लेकिन ये कैसा लगता है खाने में इसका टेस्ट कैसा आता है अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है वो वीडियो के एंड में आपको दिखाएंगे क्योंकि हमने भी ये फर्स्ट टाइम रेसिपी ट्राई की है चलिए फिलहाल तो बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक बोन में हम लेंगे दो कप गेहूँ आप कोई भी बोल ले लीजिए उसी से सारे फिर मेजरमेंट कीजिए आधा कप चावल हमने ले लिया आधा कप हमने उड़द की दाल ले ली है बिना छिलके वाली इसमें डाल देंगे वन टीस्पून मेथी दाना इससे अच्छा फर्मेंट होता है वो ही बैटर आप जब बनाते हैं और इसको और हेल्दी बनाने के लिए हमने टू टेबल स्पून अलसी डाल दी है फ्लैक्सीड जिसे हम लोग बोलते हैं तो टू टेबल स्पून हमने इसका इस्तेमाल करा है फर्मेंट होने से ना इसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं वाइटमिन मिनरल्स कई गुना बढ़ जाते हैं सारी चीज़ों को तो कम, कम से कम पाँच से छः बार हमें अच्छी तरीके से धो लेना है इसको फिर सोख करने के लिए रख देंगे ओवर नाइट अच्छी तरीके से आगे ये सोख हो जाए तो यहाँ पे ओवर नाइट सोख होने के बाद आप देख सकते हैं अच्छे से फूल चुका है अब पीसेंगे ना तो पीसने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस्तेमाल करेंगे और ये पानी जो है इसमें हमने इसे भिगोया ये पानी हम नहीं फेंकेंगे इसी का इस्तेमाल करके हमें बिल्कुल महीन सा बैटर बना के रेडी कर लेना है और ये बहुत बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनता है इसका लेकिन कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये पतला इसका बैटर बन के रेडी हो जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी इसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है जितना पानी हमने सोक करने के लिए लिया था ना उससे भी और ज़्यादा पानी लग जाता है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीस लीजिए तीन से चार बार में आराम से तो यहाँ पर हमने बैटर बना के रेडी कर लिया आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितना हमने लिक्विड बनाना है क्योंकि एकदम से पानी डाल देंगे ना तो बहुत पतला घोल हो जाएगा आप देख सकते हैं सारा का सारा बैटर रेडी है लेकिन अब इसे हमें रखना है फर्मेंट होने के लिए ओवरनाइट आप रख सकते हैं आठ घंटे के लिए के रख सकते हैं क्योंकि गर्मी के मौसम में जल्दी से फर्मेंट हो जाता है बैटर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटर फर्मेंट हो चुका है काफ़ी बबल्स इसके अंदर दिख रहे हैं अच्छा और क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए सबसे पहले तो तवा हमारा उसका टेम्परेचर सही होना चाहिए जो भी आप तवा इस्तेमाल कर रहे हैं पहले अच्छे से उसे गर्म कर लीजिए फिर थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करने के लिए पानी की छीटे डालिए थोड़ा सा उसे ग्रीस कर लीजिए बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ती नहीं है वैसे भी डोसा बनाने के लिए और बस बैटर डाल के आपको राउंड शेप में चलाना है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से थोड़ा तो सा ड्राई लगने लगा है हल्का सा बटर अप्लाई करेंगे और वैसे तो डोसा हम लोग एक ही साइड सेकते हैं काफ़ी क्रिस्पी हो जाता है लेकिन इस डोसे के अंदर आपको इसको दोनों तरफ सेकना पड़ेगा तभी ये ज़्यादा क्रिस्पी होता है और इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन इसका टेस्ट कैसा लगा जब हमने ट्राई किया क्योंकि हमने तो फर्स्ट टाइम इसे बनाया है फ़र्स्ट टाइम जब हमने ट्राई किया ऐसे तो हमें इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि जैसे हम लोग आटा बनाते हैं ना रोटी के लिए उसको अगर काफ़ी देर बाद यूज़ करें जैसे मॉर्निंग में अगर हमने डो बनाया इवनिंग में से यूज़ करते हैं बाहर ही रखा रहता है फ्रिज में नहीं रखते हैं उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग सा हो जाता है ना सेम वैसे ही इसका टेस्ट आ रहा था फर्मेंट होने के बाद में लेकिन जब सेकेंड डे हमने इसको खाया वापस से तो सेकेंड डे कुछ ठीक लग रहा था क्योंकि एक बार टेस्ट पता चल गया ना कि जब गेहूँ फर्मेंट होता है मतलब गेहूँ को आप पीसते हैं फर्मेंट होता है तो उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है तो आप चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं लेकिन अगर आपको गेहूँ का टेस्ट कम लाना है इसके अंदर इस बैटर के अंदर तो हमने यहाँ पे दो कप गेहूँ डाला था आप एक कप कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी में थोड़ी कम कर देंगे ना तो गेहूँ का टेस्ट कम आएगा तो आप चाहें तो बना सकते हैं अदरवाइज़ हमने तो ट्राई किया और आपको टेस्ट भी बता दिया है कि कैसा लगा और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर न सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी सब तक ले टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग